रविवार को मरिमाता क्षेत्र पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आया। मौका था नवरात्रि पर्व का। इस मौके पर मरिमाता क्षेत्र में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। रविवार सुबह मरिमाता क्षेत्र का माहौल भक्ति रस में डूबा नजर आ रहा था। नवरात्र के उपलक्ष्य में यहां से एक यादगार यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में अनेक साधु संत बग्गी घोड़ा गाड़ी में बैठकर चल रहे थे। डीजे पर हजारों युवा थिरक रहे थे, वहीं महिलाएं सर पर कलश लिए हुए नाचते गाते चल रही थी। इस यात्रा के संयोजक गोलू अग्निहोत्री ने बताया कि इस यात्रा के उपरांत आचार्य देवकी नंदन ठाकुर द्वारा भागवत कथा का वाचन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के भक्तगण भाग लेंगे। सर, हम कुछ देवकी नंदन ठाकुर जी की भागवत कथा का आयोजन 18 मार्च से 25 मार्च तक नौरते के प्रथम दिन हिंदू नववर्ष के दिन एक आयोजन बाणगंगा स्थित बाणेश्वर कुंड पे रखा गया है, जिसकी कलश यात्रा शोभा यात्रा आज मरिमाता से कुंड तक निकाली जा रही है। 8 दिन तक ये कथा चलेगी और अंतिम दिन गुरुदेव के साथ फाग उत्सव का आयोजन भी वहीं कथा पंडाल पे रखा गया है, तथा प्रतिदिन भोजन प्रसादी भी वहीं रखी गई। यात्रा में शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन सहित कांग्रेस के अनेक नेता मौजूद थे।